नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, इस सीजन में हमारे सभी किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होने वाला था, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। जी हां किसान भाइयों, अगर प्याज का दाम 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकेगा तो हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे सभी किसान भाई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कई जगहों पर हमारे सभी किसान भाई ने कर्जे के लोन या लेकर प्याज की फसल को तैयार किया था और मंडी तक लेकर आए थे, इस आशा से लेकर आए थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके और हम अपने परिवार का गुजारा चला सके। लेकिन हमारे सभी किसान भाइयों के साथ उल्टा हो रहा है। अगर ऐसा उल्टा होगा तो हमारे सभी किसान भाई मरने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। जी हां किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, हमारे सभी किसान भाइयों को इन दिनों प्याज का कम दाम मिलने की वजह से ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी अभी केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए अभी अभी ये निर्णय ले लिया गया है कि हमारे सभी किसान भाई की आय को दोगुना किया जाए और प्याज की फसल के दाम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। जी हां किसान भाई, अभी अभी बड़ी घोषणा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्याज के भाव में 5 से 6 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि प्याज का भाव 18 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक सकता है। अगर 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज का दाम रहता है तो हमारे सभी किसान भाई को अपनी फसल का दाम मिल सकता है। ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, लेकिन हमारे सभी किसान भाइयों को अपनी फसल का दाम मिल सकता है। किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक जरूर से जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।